पांडव के में आया था पांडव दुर्योधन नकुल सहदेव उसके थे जिनका कर्ण मित्र था ठीक है। अच्छा हुआ क्या था, पांडु की मृत्यु पहले हो गई थी। देखो चलते चलते कहाँ आ गया हूँ, पन्ना टाइगर देता हूँ का एरिया है, हम लोग जा रहे थे और तबे थे। चलिए जी पहुँच गए पन्ना नेशनल पार्क का, ये एरिया है पांडव फॉल पांडव केव वाला। अभी देखते हैं यहाँ कुछ है, ग्रीनरी तो है, बाकी आगे देखते हैं ये रास्ता है। ये व्यू देखिए यार, ड्रोन होना चाहिए था यहाँ तक, जब फोटो आती यार ऐसे जाता तो। ये देखो व्यू भाई, ले आओ ये होता है व्यू यार, सच में मजा आ जाएगा। सात से आठ प्रकार की मशीनरी काम करती है, और अभी आप जितना पानी यहाँ देख रहे हैं सारा का सारा अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस है, जो कि पहाड़ों के अंदर से जो झरने निकलते हैं उनका पानी आता है। माघी सर जब ज़्यादा बरसात होती है तो ऊपर साइड का पहाड़ों का पानी एक साथ होकर गिरता है, तो जो आमने सामने के रॉक ये भी ढक जाते हैं, तो वॉल की साइज जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। लेकिन अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं फिर वो एरिया में हम लोग नहीं जा सकते रहने की वजह से, क्योंकि पूरा दिखता है। ठीक है, ये पानी आगे निकलता कहाँ पे सर? अगर रास्ता ही जाके जो ब्रिज दिख रहे ना, उस ब्रिज के नीचे से निकलता है। पहले पानी ज़्यादा साफ होता था, अभी थोड़ा सा हाँ अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा। अच्छा, बारिश की वजह से हो गया, बाकी अब जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे साफ एकदम साफ हो जाएगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, ये पांडव गुफाएं हैं। ये देखो ये झरना है, तो अभी हम लोग देखते हैं आगे वो पांडव गुफाएं जहाँ मंदिर बनाया हुआ है। हाँ। जो पांडवों के द्वारा बनाया गया बता रहे हैं ये। ठीक है, ये ऊपर से पानी गिर रहा है जो नेचुरल वाटर है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा पानी लगा, मैं इसमें देखो आपको दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा पानी बता रहे हैं यहाँ पर, और इसका एकदम आरो वाटर से भी ज़्यादा अच्छा है, सबूत है भाई। और ये पानी बोल रहे हैं पूरा बरसात हो या गर्मी हो या सर्दी हो ऐसे गिरता रहता है। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये देखो ये एक नीचे कुंडा है, इसको ये बोलते हैं हमेशा भरा रहता है। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं इस जगह के बारे में। बेसिकली है पांडव केव, सीधी सी बात है कि पांडव अपने अज्ञातवास पे थे। अज्ञातवास होता है और दो वनवास होता है, तो वनवास 12 साल का होता है, अज्ञातवास 1 साल का होता है। उस 1 साल में क्या होता है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बतानी होती है, और अगर कोई उनको पहचान लेता है तो वो दोबारा से चीज़ शुरू होती है, तो बड़ा संभल के रहना पड़ता है। उसी में से एक ये जगह है एमपी में खजुराहो झांसी से 200 किलोमीटर दूर पन्ना नेशनल पार्क में ये जगह आती है, टाइगर रिजर्व है बेसिकली। यहाँ टाइगर भी आते हैं, डियर भी आते हैं, तो जंगल के बीचों बीच ही है, यहाँ गाइड वगैरह ले जाते हैं। ये फॉल है पूरा इसका नहीं बना, हर शेप का है ये, मैं वीडियो शेयर करूँगा। यहाँ पर पांडव रहे थे, उनका अज्ञातवास था उस टाइम पर, वो यहाँ पर रहे थे ताकि उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाए। और बहुत ही इंटीरियर में आती ये जगह है, लेकिन इतनी सुंदर इतनी नेचुरल ब्यूटी है कि बस आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। जगह का नाम पांडव केव, आप सर्च कर सकते हैं, एमपी में पड़ती है, बहुत ही अल्टीमेट जगह है ये। और क्योंकि यहाँ पांडव रहे हैं तो अपने आप स्पेशल हो जाती है जगह, और बाकी बाद में भी है, जैसे यहाँ मैं देख रहा था अभी जो अपने चंद्रशेखर आज़ाद है, वो भी अपनी जो मीटिंग थी आज़ादी से पहले की अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, वो भी यहाँ पे उन्होंने की है 1929 में, वो भी एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत अच्छी जगह है, आइए बाकी ये कुछ सीन है ये एंजॉय। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, ये फॉल है नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, पूरे साल ये चलता रहता है, बहुत ही अच्छा पानी है, साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर। अभी हम चलते हैं पांडव केव, अभी पांडव केव में आया था पांडव गुफाएं हैं। थोड़ा सा इसको रीडिज़ाइन किया गया है, और अभी थोड़ा अंधेरा होगा, मैं मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ, ये देखिए। और ये अगर आप देख पा रहे हो, ये असली गुफाएं हैं, ये देखिए असली पुराने गुफाएं हैं, ये पूरी बनी हुई है। पेड़ के नीचे है, बहुत ही ठंडक है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। गुफाएं जो हैं
मतलब देख के आपको पता लग जाएगा क्या है। महाभारत की कहानी से ही एसोसिएटेड है। पांडव गुफाओं के बारे में जितना मुझे पता था उतना 4000 साल पुरानी है ऑब्वियसली, क्योंकि महाभारत के टाइम की है। बहुत ही अल्टीमेट है। आज की डेट में दिन में आधे देते हैं और टिकट है 25-25 रुपये टिकट है, 75 रुपये गाइड की टिकट है। देखो गाइड ले लीजिए क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो बता देते हैं। वहाँ पे भी मछली वगैरह है, बहुत अच्छा फैमिली के साथ ऐसे क्लीन टाइप से बना सकते हैं। खाना पीना यहाँ अलाउड नहीं है, कुछ बनाने नहीं देते, स्मोकिंग वगैरह ड्रिंकिंग सब अलाउड नहीं है कुछ भी ऐसा। और क्योंकि टाइगर रिजर्व का पार्ट है, ये बहुत ही अच्छी जगह है अगर आप देखो। चलिए अभी मैं चलता हूँ आगे, मुझे और MP की ऐसी खूबसूरत जगह वो करनी है, उनके भी वीडियो आएंगे। आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी नई नई जगह ढूंढते रहें। एक और चीज़ ये चलते चलते बताता हूँ, जो बियर वो पीने वाली नहीं, जानवर वाला मतलब भालू, तो वो ऊपर जो है हनी बी का छत्ता है मधुमक्खी का, और ये कोशिश करता है, ये उसी के निशान है नाखूनों के, तो ये पूरे निशान जितने भी हैं ये भालू आता है वो ऊपर जाता है ऑल द वे और वहाँ से खाता है। जैसे कई लोगों को आइडिया होगा कि भालू नहीं चढ़ वगैरह पाता है क्योंकि हैवी वेट होता है, लेकिन इसके वो चढ़ता है इसको ऊपर ऑल द वे करके जाता है और बहुत ही हैवी नाखून होते हैं उसके, तो इसलिए शाम को यहाँ अलाउ नहीं करते 5 बजे के बाद में, क्योंकि भालू भी आता है, टाइगर वाइगर तो है ही। थोड़ा सा चलिए सफर को बढ़ाते हैं आगे, चलते हैं दूसरी जगह, मिलेंगे फिर।